हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, आप भले तो जग भला। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला, कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज़ और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहें तो कुछ सबक ज़रूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, तो फिर वे क्यों न आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आप गुस्सा होना और रोना ही है अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने ज़रा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों, कामों और भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा।
मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, भले ही वे दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें। ऐसे मौके पर दादू की ये पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बहे बिचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी और निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई, हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं, आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना? उनकी आंखों से आंसू छलछला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा, पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना, आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहां प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहीं बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला ही है, जिन लोगों की कहीं किसी से नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं, उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर, मीठी चुटकियां लेकर, अपना प्रेम दर्शाकर। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी, सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला जाए, पर ज्यों ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए, इतने कि उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला आया।
वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। कल हमारे मित्र का रसोईया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा रे। आदि की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई भी चीज़ बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोल कर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द न बोले जाते। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सका, तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। कहने का मतलब यह कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। उस पर भी वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख कर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। सो दिस वॉज द रीडिंग ऑफ अवर चैप्टर आप भले तो जग भला। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल्सो डोंट फर्गेट टू चेक द लिंक्स टू अदर चैप्टर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Thank you, everyone.